अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पिशावर मॉडल स्कूल बॉयज़ 3 फॉर ऑनलाइन जियो क्लास 6। टुडे इज़ योर ऑनलाइन जियो क्लास 6। सो स्टूडेंट्स, फॉर सेशन 2021 to 2022। ओके स्टूडेंट्स, टेक आउट योर जियो बुक्स फॉर क्लास 6। आप लोगों का आज का जियो का लेक्चर है, आप लोग जियो का लेक्चर है आज। आप जियो की बुक्स अपनी निकाल लें। यूनिट नंबर 2, पेज नंबर 14। जियो की बुक्स, आपकी ज्योग्राफी की जो बुक्स हैं उस पे पेज नंबर 14 निकालें। आपको यूनिट नंबर 2 नज़र आएगा। यूनिट नंबर 2, पेज नंबर 14। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज़ टावर ब्रिज। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ टावर ब्रिज, ये क्या है? अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे, तो हमको आपको क्लियर हो जाएगा दैट व्हाट इज़ टावर ब्रिज और ये है कहाँ पे और इसके मतलब फंक्शंस क्या हैं। सो कम टू द पॉइंट, टावर ब्रिज ऑन पेज नंबर 14, यूनिट 2। इट वॉज नेम्ड आफ्टर इट्स 2 इम्प्रेसिव टावर्स। इट इज़ वन ऑफ लंडन्स बेस्ट नोन लैंडमार्क्स। अब आप लोगों को इससे अंदाज़ा तो हो चुका होगा कि ये टावर ब्रिज जो है ये हमारे पास कहाँ पे है। ये लंदन में है ये ब्रिज। ये पिक्चर में आप लोग देख सकते हो, दिस इज़ द ब्रिज विच इज़ सिचुएटेड इन लंदन। जो लंदन है मतलब ये वहाँ का एक पॉपुलर एक फेमस ब्रिज है जो कि 2 इम्प्रेसिव टावर से मिलकर बना हुआ है और ये एक मशहूर है, तो इसलिए ये लैंडमार्क भी है लंदन का। लैंडमार्क किसे कहते हैं, मैंने एक अलग से डेफिनेशन रखी हुई है लैंडमार्क की ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। सो कम टू द पॉइंट, लैंडमार्क एनी विजिबल सिंबल ऑफ अ कंट्री और सिटी। विजिबल सिंबल जो कि नुमाया हो, एक चीज़ आपकी सिटी या कंट्री में आपके शहर में नुमाया चीज़ हो तो वो आपका ज़रिया बन जाता है लैंडमार्क कहलाने का कि ये लैंडमार्क है इस जगह का। अब कराची जो हमारे पास है वहाँ पे मज़ार कायद है तो वो एक लैंडमार्क हो गया कराची का। इसी तरह जो लैंडमार्क है लंदन का वो है टावर ब्रिज। इट मे बी ओनली स्ट्रक्चर नेचुरल और मैन मेड लाइक अ माउंटेन टावर बिल्डिंग एक्सेट्रा। अब जो लैंडमार्क है ना वो एक ब्रिज नहीं हो सकता, वो एक बिल्डिंग भी हो सकती है, एक दरख्त भी हो सकता है, एक टावर भी हो सकता है, एक बिल्डिंग भी हो सकती है और एक पहाड़ के शक्ल में भी हो सकता है। जो मतलब एक चीज़ की वजह से वो जगह मशहूर हो उसको हम लैंडमार्क के कहा उसको हम लैंडमार्क कहते हैं। सो बेसिकली द टावर ब्रिज, इट वॉज नेम्ड आफ्टर 2 इम्प्रेसिव टावर्स। इट इज़ द वन ऑफ द लंदन्स बेस्ट नोन लैंडमार्क्स। अब हमारे पास क्लियर हो चुका है कि लंदन का जो लैंडमार्क है वो हमारे पास टावर ब्रिज है और लैंडमार्क किसे कहते हैं वो भी आपको क्लियर हो चुका होगा दैट व्हाट इज़ द लैंडमार्क, द विजिबल सिंबल ऑफ एनी सिटी और कंट्री इज़ नोन एज लैंडमार्क। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस पिक्चर में आप लोगों को बिल्कुल क्लियर शो हो गया है दैट इट इज़ द टावर ब्रिज। ये लंदन में ये ब्रिज है, आप लोग देख सकते हो 2 ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई है। बिल्डिंग्स तो नहीं कह सकते, खैर इसको हम कह सकते हैं कि ऊंची ऊंची मीनारें बनी हुई हैं। इन दोनों मीनारों को एक ब्रिज ने कनेक्ट किया हुआ है और आप लोगों को पता है कि ये टावर ब्रिज बहुत ही मज़े की व्यू में है। इसके नीचे फुल ऑन पानी है, ये एक पानी के एरिया में सिचुएटेड है और ये ब्रिज बहुत ही फेमस है लंदन में विच इज़ नोन एज टावर ब्रिज। अब इसके फंक्शंस को हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, द ब्रिज वॉज कम्प्लीटेड इन 1894। बहुत ही पुरानी बात है 1894, ये बहुत ही पुरानी बात हो गई। अब 90s की बात भी नहीं है, 18 में बात चली गई है। तो ये कंप्लीट इसकी कंस्ट्रक्शन 1894 में हो चुकी थी। ओरिजिनली लंदन ब्रिज वाज द ओनली क्रॉसिंग ओवर द थेम्स। अब जो लंदन ब्रिज है ना ये एक क्लोता ये ब्रिज है क्रॉसिंग का थेम्स में, ये थेम्स को क्रॉस कर रहा है। द मिडल ऑफ द ब्रिज कैन बी रेज टू परमिट लार्ज वेसल्स टू पास द टावर ब्रिज। अब आप लोगों को इस पिक्चर में ये शो हो रहा होगा, मैं आपको पॉइंट आउट कर लेती हूँ, ये वाले एरिया, ये वाले जो 2
पोर्शन अलग हो रहे हैं ना एक दूसरे से, ये खोल दिए जाते हैं ताकि यहाँ से बड़े जो बहरी जहाज़ होते हैं ये गुज़र सकें, क्योंकि ये अगर बंद होगा तो यहाँ पे नीचे छोटे छोटे जो वेसल्स हैं वो गुज़र सकेंगे, बट यहाँ पे बड़े बड़े वेसल्स जो हैं वो नहीं गुज़र पाएंगे। इट यूज़ टू बी, देखिए यहाँ पे, इट यूज़ टू बी रेस्ड अबाउट 50 टाइम्स अ डे, ये पहले 50 दफ़ा दिन में खोला जाता था वेसल्स के लिए, जो कि हमारे पास लार्ज वेसल्स हैं, लार्ज जो ये यहाँ पे समंदर में जो जहाज़ होते हैं ना, ये बहरी जहाज़, ये कश्तियाँ जो होती हैं, ये बड़े बड़े जो स्केल में होते हैं, ये उनके लिए ये ब्रिज खोला जाता था 50 मरतबा एक दिन में, बट नाउ अ डेज, अब अलग बात है, इट इज़ ओनली रेज 4 to 5 टाइम्स अ वीक, पहले ये बहुत खोले जाते थे, मतलब 50 दफ़ा ये खोले जाते थे एक दिन में, पर अब जो देखा जाए तो ये 4 to 5 टाइम्स अ वीक, हफ्ते में 4 to 5 दफ़ा खोल दिए जाते हैं ताकि यहाँ से लार्ज वेसल्स गुज़र सकें, क्योंकि ये देखें ये जगह आपको बंद होती है ब्रिज में, ये जगह बंद होती है, पर ये जो बेस में दरमियान में जो मिड में जगह नज़र आ रही है आपको ये वाली ना, ये जगह आपकी ओपनिंग वाली जगह है, ये फुल ऑन ये ऊपर जाके खुल जाते हैं, यहाँ पे लार्ज वेसल्स पास होना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज़ द मेन फंक्शन अबाउट द टावर ब्रिज विच इज़ लोकेटेड इन लंदन, लंदन का लैंडमार्क है ये टावर ब्रिज, और इसकी स्पेशलिटी ये भी है कि ये बहुत ही पुराना है और ये खुल जाता है नीचे से, ये ओपन हो जाता है ताकि इसमें लार्ज वेसल्स गुजर सके, और यहाँ पे इसी तरह अपने काम अपने होते हुए नज़र आए कि वहाँ पे किसी का काम है, यहाँ पे किसी का काम है, तो थ्रू लार्ज वेसल ये एक जगह से दूसरी जगह ईज़िली मूव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रिज ओपन हो जाता है, पहले ये बहुत ही ओपन होता था 50 टाइम्स अ डे, बट नाउ 4 to 5 टाइम्स अ वीक। You can also visit the inside of the tower where you can observe the original mechanism used to raise the bridge. अब यहाँ पे जो टू images आपको slides में show हुई हैं, these two images are the inside view of tower bridge. ये आप लोग देख सकते हैं कितनी मज़े की ये छत बनी हुई है, और ये सारा जो crystal area है शीशे का सारा बना हुआ है, these are the inside views of tower bridge. From the top of the tower, you can have a great view at the center of London. अब इसके मतलब functions हम देख रहे हैं, ये famous क्यों हैं, हम इसको पढ़ रहे हैं, आपको ये bridge नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये bridge है हमारे पास tower bridge, तो आप इसके surroundings में देखें कितना मज़े का view है, और ये बिल्कुल दरमियान में है which is the center of the London. ये हमारे पास लंदन के बिल्कुल सेंटर में है, और as I told you student that इसके इर्द गिर्द पूरा पानी है, देखें ये पानी आपको नज़र आ रहा है ना, ये इर्द गिर्द पूरा पानी है, और ये फिर साइड्स पे और चीज़ें बिल्डिंग्स वगैरह रोड्स वगैरह है ना, बहुत ही मज़े का व्यू पेश कर रहे हैं। सो बेसिकली इट इज़ द टॉप व्यू ऑफ द टावर ब्रिज, ये ऊपर से ये स्लाइड मतलब ये स्लाइड में ये पिक्चर ऊपर से क्लिक हुई है, ऊपर से ये पिक्चर ली गई है टू शो यू द that it is in the center of the London and it has water, देखिए आगे पीछे इसका पूरा पानी है, so it shows a very beautiful view and it is in the center of London. Okay students, the topic of tower bridge is over. हमारे पास टावर ब्रिज हमने डिस्कस किया दैट इट इज़ सिचुएटेड इन लंदन, इट इज़ द फेमस लैंडमार्क ऑफ लंदन, और भी हमने इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में जाना कि ये ओपन होता है, कि किस लिए ओपन होता है, कितने कितने टाइम्स ये ओपन होता है, पहले ज़माने में ये 50 टाइम्स ओपन होता था, बट नाउ अडेज 4 to 5 टाइम्स इन अ वीक, हफ्ते में 4 to 5 दफ़ा ये ओपन होता है ताकि लार्ज वेसल्स इसके थ्रू पास हो सके और अपने काम कर सके वो। सो इट इज़ द वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी फेमस लैंडमार्क ऑफ लंदन एज शोन इन दिस स्लाइड। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट टॉपिक, बिग बेन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज़ द बिग बेन, देखिए ये स्लाइड है आपके पास, ये बिग बेन, ये आपको लंबा सा जो नज़र आ रहा है ना, जिसमें घड़ी बनी हुई है, दिस वन,
This is known as Big Ben, which is also in London. So first of all, we will see that what is Big Ben. Big Ben is one of London's best known landmarks and looks most spectacular at night when the clock faces are illuminated. Okay students, Big Ben जो है हमारे पास वो भी लंदन का बेस्ट लैंडमार्क है. बिग बैन जो हम का मतलब आप किसी भी इंसान से पूछ ले जो लंदन विज़िट कर चुका हो, आप उनसे कहेंगे कि वहाँ की स्पेशलिटी क्या है, वहाँ फेमस क्या है, तो वो आगे से कहेंगे टावर ब्रिज वहाँ का बहुत मज़े का है, वहाँ के बिग बैन आप लोग देख ले, बहुत मज़े का व्यू है. सो दिस इज़ बेसिकली द लैंडमार्क ऑफ लंदन, बिग बैन, विच इज़ द मोस्ट स्पेक्टेक्युलर एट नाइट. अब नाइट रात का जो टाइम होता है ना, तो इसमें बेतहाशा लाइट्स ऑन हो जाती हैं. जब लाइट्स ऑन हो जाती हैं तो वो बहुत ही मज़े का व्यू पेश करती हैं, इसलिए इसको स्पेक्टेक्युलर मतलब बहुत ही अमेजिंग जो होता है व्यू पेश करता है रात के वक्त, क्योंकि इसमें लाइट्स ऑन हो जाती हैं, विच लुक्स वेरी अमेजिंग व्हेन द क्लॉक फेसेस आर इल्यूमिनेटेड. अब ये जो बिग बैन है हमारे पास, आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स दैट यहाँ पे आपको एक घड़ी नज़र आ रही होगी, सी ये एक वॉच लगी हुई है. इसी तरह इस बिग बैन के चारों साइड, इधर इधर इसके पीछे और यहाँ फ्रंट पे, यहाँ पे चारों साइड पे घड़ियाँ हैं, क्लॉक्स बनी हुई हैं विच आर इल्यूमिनेटेड. इसके जो मतलब क्लॉक्स अब चारों जगह पे बनी हुई हैं, तो चारों जगह से हम इसको देखेंगे हमें क्लॉक नज़र आएगी. सो दिस इज़ द वेरी गुड पॉइंट अबाउट द बिग बैन. सो द बिग बैन इज़ वन ऑफ द लंदन्स बेस्ट नोन लैंडमार्क्स and looks most spectacular at night when the clock faces are illuminated. आप लोग देख चुके हैं ये पिक्चर, ये बिग बैन की पिक्चर है, आप लोग देख चुके हैं. दिस इज़ द फेमस लैंडमार्क ऑफ लंदन. ओके स्टूडेंट्स, द नेम बिग बैन एक्चुअली रेफर्स नॉट टू द क्लॉक टावर इटसेल्फ but to the 13 ton bell hung within. अब यहाँ पे क्लॉक लगा हुआ है बिग बैन में, तो क्लॉक का कुछ फ़ायदा भी तो होता होगा ना स्टूडेंट्स. अब देखिए बिग बैन जो है वो जस्ट ये नहीं है कि बस बाहर घड़ी लगी हुई है और उसका कोई फंक्शन नहीं है. नो, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग. बट द राइट थिंग इज़ यहाँ पे जो बिग बैन के अंदर हमारे पास 13 ऐसी घंटियाँ हैं. ये आपको बेल नज़र आ रही है ना, दिस बेल, ये कितनी बड़ी बेल है. इसी तरह 13 टॉन बेल हंग विद इन, इसी तरह 13 बेल हमारे बिग बैन के अंदर मौजूद हैं और वो हर घंटे बाद टन जो होते हैं ना, टन ये एक साउंड है, टंग, इस तरह टंग, इस तरह साउंड प्रोड्यूस करते हैं 13 बेल इकट्ठे हो के ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो इसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा गूंज उठती है. तो ये घड़ी का सिर्फ लगने का फ़ायदा नहीं है, इसका अंदर जो सिस्टम है वो बहुत ही बड़ा सिस्टम है. ये आप लोग देख सकते हो ना, एज़ आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स दैट दिस आर, देखिए आगे भी घड़ी है, पीछे भी घड़ी है, और आगे भी है और साइड पर भी है, चारों साइड पर ये घड़ियाँ बनी हुई हैं. एंड दिस इज़ द बेल which hung within the Big Ben. The bell was named after the first commissioner of works, Sir Benjamin Hall. There are 290 steps to the clock room and 340 to the belfry. Okay students, the bell was named after the first commissioner. अब इसका नाम किसने रखा है? इसका नाम सर बेंजामिन हॉल ने रखा है, बिग बैन का नाम. और इसमें 290 स्टेप्स हैं क्लॉक रूम तक. अब क्लॉक का एक रूम है वहाँ पे, जिस पे वहाँ की सारी सेटिंग मौजूद है, तो यहाँ पे 290 स्टेप्स लेकर हमारा वो रूम आता है जो कि फुली क्लॉक का सेटिंग वहाँ पे हुई है. एंड 340 टू द बेल फ्राई, और बेल फ्राई जहाँ पे ये सारी जो घंटियाँ जो बज रही होती है टन टन की साउंड प्रोड्यूस कर रही होती है, दीज आर कॉल्ड एज द बेल फ्राई एरिया. सो आप लोग देख सकते हो, देखें ये बेल जो 13 बेल्स अंदर मौजूद है बिग बैन के, और बिग बैन जो कि फुल फोर साइडेड क्लॉक में घेरा हुआ है और अंदर इसकी बहुत ज़्यादा सेटिंग हुई है. इसका नाम सर बेंजामिन हॉल ने रखा हुआ है.
290 स्टेप्स हम लेकर रूम तक जाते हैं जो कि क्लॉक रूम कहलाया जाता है, नोन एज क्लॉक रूम। वहाँ पे क्लॉक की सारी सेटिंग हुई जाती है। ये आप लोग देख सकते हो इस पिक्चर में भी, ये सारी देखें मशीनरी है पूरी, ऐसा लग रहा है कि ये फुल ऑन कोई चीज़ यहाँ पे, मतलब कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है। सो बेसिकली दीज आर द फुल सिस्टम ऑफ बिग बेन। बिग बेन इज़ एन एक्सीलेंट टाइम कीपर विच हैज़ रेयरली स्टॉप्ड। द टावर इज नॉट ओपन टू द जनरल पब्लिक, बट दोज विद अ स्पेशल इंटरेस्ट मे अरेंज अ विजिट टू द टॉप ऑफ द क्लॉक। अब यहाँ पे जाहिरी बात है बहुत ही फेमस जगह है, लैंडमार्क है लंदन का, हर कोई यहाँ पे जाना चाहेगा। इट इज़ द एक्सीलेंट टाइम कीपर, इधर टाइम की गलत होने की गुंजाइश है ही नहीं, यहाँ पे बिल्कुल टाइम गलत नहीं होता। टाइम कीपिंग यहाँ की बहुत अच्छी से होती है, रेयरली बहुत ही कम यहाँ पे टाइम स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे टाइम स्टॉप नहीं होता, फुल ऑन ये टाइम शुरू होता है, यहाँ पे टाइम स्टॉप नहीं होता। द टावर इज़ नॉट ओपन टू द जनरल पब्लिक, अब जनरल पब्लिक मतलब आम लोगों के लिए ये टावर ओपन नहीं होता, बट बहुत ही स्पेशल कोई इंटरेस्ट हो किसी का कि हम यहाँ जाएँ तो वो अपने लिए एक टूर एक विज़िट अरेंज करते हैं। बहुत ही मतलब ये आसान काम नहीं है कि जाएँ और हमें अंदर छोड़ देंगे, नहीं, इसके लिए एक प्रॉपर सा एक सिस्टम होता है, यहाँ पे हम अरेंज करते हैं और फिर हम वहाँ पे विज़िट करने जाते हैं टू सी द बिग बेन। दैट वाई इट इज़ दैट मच फेमस, हमें यहाँ से ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये कितना ही मज़े का एक टावर है ये, पर यहाँ पे अगर चले जाए तो वो बहुत ही क्लियर हो जाएगा हम सबको। ओके स्टूडेंट्स, तो द टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन वाज टावर ब्रिज एंड बिग बेन। मैं एक बार रिपीट कर लेती हूँ आपके लिए, टावर ब्रिज जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है, फेमस हमारे पास लैंडमार्क है, लंदन का लैंडमार्क उसे कहते हैं जो कि बहुत ही विजिबल एक सिंबल हो, विजिबल एक चीज़ हो, चाहे वो एक सिटी में हो एक कंट्री में हो, वो विजिबल हो तो उसको हम लैंडमार्क कहा जाता है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ब्रिज हो, वो हमारे पास बिल्डिंग भी हो सकती है, एक माउंटेन भी हो सकता है, एक टावर भी हो सकता है। सो दिस इज़ द टावर ब्रिज विच इज़ द लैंडमार्क, वन ऑफ द फेमस लैंडमार्क ऑफ लंदन। यहाँ देखिए आपकी यहाँ पे सेपरेशन होती है इस लेयर की, जहाँ से लार्ज वेसल्स गुजर के जाते हैं। पहले ये 50 टाइम्स ओपन होता था एक दिन में, पर अब ये ज़्यादा ओपन नहीं होता, 4 से 5 टाइम्स ये ओपन हो जाता है एक हफ्ते में। इट इज़ द मोस्ट फेमस लैंडमार्क ऑफ लंदन। ये आपके पास इनसाइड व्यू है टावर ब्रिज का, पूरा देखिए शीशे का बना हुआ है, यहाँ पे ऐसा शीशा लगा हुआ है विच इज़ अनब्रेकेबल, यहाँ पे वॉक भी बंदा कर सकता है। एंड दिस इज़ द टॉप फ्लोर विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, एंड द टॉप व्यू ऑफ द टावर ब्रिज जो कि हमारे पास मिडल में है लंदन के। और ये पूरा जो एरिया है ये लंदन का आपको शो हुआ है, एंड इट इज़ द सेंटर ऑफ द लंदन। सो बिग बेन एंड द टावर ब्रिज इज़ द टू फेमस लैंडमार्क ऑफ लंदन। बिग बेन इज़ द बेस्ट लैंडमार्क एंड लुक्स मोस्ट स्पेक्टेक्युलर एट नाइट। एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स, एक दफ़ा मैं आपको रिवाइज कर रही हूँ, एज आई टोल्ड यू दैट बिग बेन जो है हमारे पास रात के टाइम बहुत ही रोशनदार हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा चमकदार हो जाता है। द क्लॉक फेसेस आर इल्यूमिनेटेड, चारों ओर इसके क्लॉक नज़र आ रहे होते हैं एज शोन इन दिस स्लाइड। ये टावर आपके पास जो नज़र आ रहा है दिस इज़ द बिग बेन टावर, बिग बेन जो कि चारों साइड पर इसके क्लॉक बने हुए हैं। द नेम बिग बेन एक्चुअली रेफर्स नॉट टू द क्लॉक टावर, अब ये क्लॉक अब लगी हुई है, जाहिरी बात है क्लॉक का कुछ फ़ायदा तो होता होगा। सो दिस बेल 13 बेल्स टॉन बेल हंग विद इन, अब हमारे पास यहाँ पे बिग बेन के अंदर बेल लगे हुए हैं विच इज़ 13 बेल, जो कि हर घंटे बाद ये रिंग होते हैं, इसकी हैंगिंग हंग करना शुरू हो जाते हैं। एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ टावर बिग बेन, आगे पीछे इसकी घड़ियाँ बनी हुई हैं, क्लॉक्स बने हुए हैं। द बेल वॉज नेम्ड, अब इसका नाम जो है सर बेंजामिन
हॉल ने रखा हुआ है। 290 स्टेप्स लेकर हम क्लॉक रूम की तरफ जाएंगे एंड 340 स्टेप्स टू द बेलफ्राई। एज आई टोल्ड स्टूडेंट दैट बिग बैन इज़ अ एक्सेलेंट टाइम कीपर, यहाँ पर बिल्कुल टाइम ख़राब नहीं होता। कुछ टाइम अगर स्टॉप भी हो जाए तो वो भी बहुत ही कम होता है, बहुत ही रेयर होता है। रेयर मतलब बहुत ही कम होता है, मतलब ये होता ही नहीं है यहाँ पे। द टावर इज़ नॉट ओपन टू द जनरल पब्लिक, यहाँ पे कोई भी ऐसा मोड आके नहीं जा सकता, फुल ऑन परमिशन लेनी पड़ती है। अगर बहुत ही स्पेशल परमिशन हो, स्पेशल इंटरेस्ट हो आपका, तो आप लोग यहाँ जा सकते हो। देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में शो भी हुआ है, द टूरिस्ट आर विजिटिंग टू द बिग बैन। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर दिस इज़ योर टूडेज लेक्चर अबाउट टावर ब्रिज एंड बिग बैन। आई होप ऑल यू गेट इट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।